टाइम आ गया है ये वाले होटल को चेकआउट करने का। काफ़ी अच्छा एंड डिसेंट स्टे था हमारा। हाँ जी, तो अभी हम लोग सबको ही निकल गए हैं सिलीगुड़ी के लिए। फाइनली हमारा जो गैंगटॉक सिक्किम ट्रिप था वो खत्म हो गया। अभी हम लोग होटल लेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमारा जो ट्रेन है कल है सुबह सुबह शताब्दी एक्सप्रेस, वहीं आसपास में ही होटल में रहना होगा हम लोगों को। बीच में भी वैसे लंच के लिए रुकेंगे, फिलहाल अभी हम लोग गैंगटॉक को बाय बाय। ओके बाय बोल दो लॉलीप। हम लोग पहुंच गए हैं रेंगपो और यही है सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। बस अब हम लोग ये ब्रिज क्रॉस करते ही एंटर हो जाएंगे वेस्ट बंगाल में। ये तिस्ता रिवर, हाँ जी। तो अभी हम लोग सुनतोले में अपना लंच ब्रेक लिया है। ये लंच ब्रेक है, सभी बैठ गए यहाँ पे। कोई ये होटल आदित्य है जस्ट यहीं पे, और मम्मी लोगों को लंच करना है, बट अपने को तो मोमो चाहिए यहाँ का। अगर हम लोग टाइम से पहले पहुँच गए ना सिलीगुड़ी, तो प्लान है मेरा सुभांग का मोमो जो होता है सिलीगुड़ी में मिलता है, वो मोमो सबको ट्राई करवाने का। बस यहाँ पे यही सब थाली वगैरह ऑर्डर किए हैं सबको ही। मैंने मोमो किया है, आर्यन एंजल सभी ने मोमो। ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, जो मैं ऑर्डर करता हूँ वो सबसे लास्ट आता है। तुम्हारा भी सेम हाल है ना आर्यन? बाय द वे ये थाली देख लो कुछ ऐसा है। कैसा है मम्मी? हाँ ना, अच्छा है। अच्छा है। अगर आप गैंगटॉक से सिलीगुड़ी की तरफ जा रहे हो तो सुनतोले बोलकर एक जगह आता है, वहीं पे ये है होटल आदित्य। ये हमारा मोमो भी आ गया। अभी हम लोग फाइनली पहुंचे हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी के जस्ट स्टेशन के पास ही हम लोगों ने अपना होटल ले लिया है ये, और बाकी एक और रूम है तो हम लोग सब अभी इसी में रुकेंगे। अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं जल्दी से हांगकांग मार्केट। मेरे को सुभांग का मोमो भी खाना था, वो तो थोड़ा दूर है, पता नहीं वो पॉसिबल होगा कि नहीं, लेकिन हांगकांग मार्केट घूमना है। तभी जल्दी से निकलते हैं, काफी लेट हो गया है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर के और। तो अभी हम लोग एनजेपी में, एनजेपी के बगल में ही हम लोगों ने होटल लिया था, तो वही हम लोग का शताब्दी में टिकट बुक है। सभी को रेडी हो गया, देख लो सारा सामान वगैरह रेडी हो गया है। बुगी चलो हो गया कार्टून देखना। गुड मॉर्निंग बोल दो बुगी सबको। तो चलो फटाफट निकलते हैं, ऑलरेडी 4:30 बज गया, 5:30 का ट्रेन है हमारा। सामान ज्यादा है ना, लोग भी ज्यादा, इसलिए जल्दी निकल जा रहे हैं हम लोग। हाँ जी, तो अभी हम लोग स्टेशन आ गए हैं, ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। 5:30 बजे का टाइमिंग है, हम लोग 5 बजे ही पहुँच गए। चलो भाई पहले पहुँच गए वो ज़्यादा बेटर है। देखो कब तक इसका गेट खुलता है। सभी को ये ट्रेन में बैठ चुके हैं, ये भी नहीं पता कि, देखो इतना तो पता है फूड कैटरिंग स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम लोगों में इंक्लूड है या नहीं ये नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने टिकट थोड़ा पहले बुक किया था। फैमिली के साथ ट्रिप था ना, इसलिए मैंने जो टिकट है उसको पहले ही बुक किया था। और बाय द वे हमेशा मैं शताब्दी का एग्जीक्यूटिव क्लास को रिव्यू करता हूं। ये फर्स्ट टाइम मैं चेयर कार में बैठ के जा रहा हूं, इसका रिव्यू मिल जाएगा आपको। बाकी लेग रूम देख लो, लेग रूम कैसा है, ठीक है ना, लेग रूम काफी अच्छा खासा है। सीट पोजीशन देख लो, यहाँ पे 3 सीट है, यहाँ पे 2 सीट। तो अभी एग्जैक्ट 5:30 हो गया है, ये देख लो 5:30 हो गया है, और ट्रेन का चलने का टाइम भी 5:30 का ही था। होपफुली टाइम पे चलेगी ट्रेन। फाइनली हमारा ट्रेन एकदम टाइम पे निकल चुका है स्टेशन से। लेकिन एक बात है, मॉर्निंग वाले जर्नी में थोड़ा बहुत नज़ारा देखने मिलेगा। चलो ट्रेन तो चल गया, अब अपने एडिटिंग पे लग गया है। अभी टाइम देख लो 6:04 हो रहा है, ट्रेन को चले हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया, और अभी तो हम लोग जस्ट एंटर हुए हैं बिहार में, और देख लो बाहर का क्या हाल है। जी तो अभी टाइम देख लो 6:33 हो रहा है, 6:30 हो रहा है, और ये जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं किशनगंज, और पूरे रास्ते फॉगी फॉग था। अभी मैं शताब्दी के वॉशरूम में हूँ, तो कुछ ऐसा वॉशरूम है इनका, क्लीन मैं बोलूँगा, ठीक है, अच्छा है, क्लीन ही है। पानी आ रहा है, चलो ठीक है, यहाँ पानी तो आ रहा है। ये लिक्विड था या पानी था यार? अच्छा ये लिक्विड पानी जैसा है एकदम, हाथ धोने के लिए। यहाँ सेवर्स पॉइंट, अभी एक दिक्कत क्या हो गया ना, जैसे कि आपको ये पता है कि फूड कैटरिंग स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये जब टिकट बुक हुआ था ना, तो उस समय फूड कैटरिंग स्टार्ट नहीं था। तो टिकट तो मैंने बुक कर दिया, लेकिन फूड वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं था। अभी ट्रेन में कुछ लोगों को खाना मिल रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। जिन्होंने ऐड करवाया है उनको तो मिल रहा है, फिर भी हम लोगों ने चाय मांगा तो चाय तो मिल गया है। अब इसका कितना चार्ज लेते हैं ये तो मुझे आइडिया भी नहीं है, लेकिन हाँ चाय मैंने मांगा, चाय मिल गया। बाकी बाहर देख लो एकदम फॉग है, और ये चाय तो घटिया सा ही चाय होता है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन फिर भी यार सुबह सुबह चाय भी मिल जाए वही बहुत है। देख लो इतने कम पानी में मैंने इसको बनाया है, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी जिनको भी मैंने ये चाय दिया सब बोले चाय नहीं पिए थे तब तक ठीक था, चाय पी के और मूड खराब हो गया। चाय पीना है रे? नहीं नहीं चाय नहीं, थोड़ा सा कोशिश कर लो। नहीं नहीं, चाय कैसा था? अच्छा था, ठीक, मतलब पानी जैसा था, गर्म पानी मिल गया सुबह सुबह। लेकिन तो चाय के नाम पे हम लोगों को सुबह सुबह गर्म पानी मिल गया। अभी सीन
क्या है कि हम लोग को कुछ ना कुछ तो ब्रेकफास्ट करना ही होगा। चेक करते हैं IRCTC के ऐप में या फिर कहीं कुछ अगर ऑर्डर हो जाए तो सही है, चांसेस कम है लेकिन हो जाता तो अच्छा रहता है। तो अभी मैंने चेक किया है, बस एक बोलपुर शांति निकेतन स्टेशन ही शो कर रहा है जहाँ पे हम लोग को कुछ खाने का मिल सकता है। क्या करे, खाना तो अच्छा होता नहीं है, इतना तो आइडिया है, थाली तो यही सब ऑप्शन है यहाँ पे। देखते हैं इसमें से क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं। मालदा टाउन, मैं तो एकदम गहरी नींद में सो गया था, अभी आर्यन उठाया तो हम लोग देखे मालदा टाउन हम लोग पहुँच गए हैं। कुछ खाया कि नहीं खाया था? नहीं अभी तो कुछ भी नहीं खाया। देखिए स्टेशन में शायद कुछ मिल जाए तो लेते हैं। वैसे मैंने बोलपुर में खाना ऑर्डर कर दिया है। उठ उठ गई, गुड मॉर्निंग बोल दो। डब्बा भी हम लोग इतना पीछे है ना कि रुकेगा भी तो कुछ मिलेगा कि नहीं ये भी गारंटी नहीं है। तो अभी हम लोग मालदा स्टेशन में या मूल का काउंटर देखा है, यहाँ से कुछ लेते हैं। हाँ जी तो देख लो स्टेशन से ले लो। हाँ जी तो देख लो स्टेशन से हम लोगों ने ये सब ले लिया है, खाते जाओ पूरे रास्ते। मालदा से तो हमारा ट्रेन निकल गया, अभी वही चिप्स वगैरह खाया जा रहा है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं फरक्का ब्रिज। हमारा ट्रेन जो है बोलपुर शांति निकेतन पहुंच चुका है और इससे ज्यादा बोरिंग जर्नी मेरे लाइफ का कभी नहीं रहा है। हाँ अरे बहुत बोरिंग। देखो पहले क्या था कि पता था कि हाँ खाना तो मिलेगा नहीं, कुछ आता था ट्रेन में हम लोग खरीद लेते थे, लेकिन अभी खाना मिल रहा है लेकिन हम लोग का ऐड ही नहीं है खाना, मतलब बोरिंग लग रहा है। और शांति निकेतन में यहाँ पे हम लोगों ने खाना भी ऑर्डर किया, देखो कब तक आते हैं। हाँ जी देख लो हम लोगों का खाना आ चुका है, देखते हैं क्या है, पहले तो निकालते हैं एकदम टाइम पे है। और बाय द वे मैंने इसको फूड ऑन ट्रैक से ऑर्डर किया था अपना वही PNR नंबर डालकर, और स्टेशन आने से मतलब 15 या 20 मिनट पहले इनका फोन आया था कि आपका खाना रेडी है, आप 250 रुपया लगाया बाय द वे इसका, तो आप रेडी रखिएगा। तो मैं बोल दिया मेरे पास चेंज तो नहीं है, 500 है, तो वो रेडी रखे थे। सही है। हाँ जी देख लो ये कुछ हमारा थाली है, पहले तो ऐसा बटाते हैं। वेज डीलक्स महाराजा थाली है, ये थाली से हम पक चुके हैं लेकिन ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा कुछ अच्छा, देखकर तो बढ़िया लग रहा है। और ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से हमारा घर 2 घंटे का दूरी है। तो वैसे पुलाव देखकर तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे, होप कि अच्छा हो ये। एकदम ठंडा है अभी, पता देखते हैं पनीर की सब्जी कैसा है। पनीर का सब्जी जो है ना ये बहुत बढ़िया है। तो आर्यन खाएगा पराठा साथ में आलू की सब्जी के साथ ट्राई करेगा, फिर पनीर के साथ ट्राई करेगा। सब्जी ठंडा है पर टेस्ट अच्छा, पर पराठा बहुत टाइट है। टाइट है, सब खाना ठंडा हो गया। ठंडा हो गया। मैं तो ये दही खाऊंगा चीनी मांगकर। सैलेड भी है भाई। खाना मैंने अपने लिए मंगाया था, खाना तो अच्छा लगा नहीं, मम्मी को पसंद आया पता नहीं क्यों। पहली बार ऐसा होगा कि मैं ट्रेन में सोया हूँ, बोरिंग सा जर्नी है इसीलिए, सेम जर्नी कितने बार कर चुका हूँ। और अभी बाली क्रॉस हो गया मे बी, नहीं अभी नहीं हुआ है सर। अच्छा बेला नगर अभी क्रॉस हुआ है, बाली इसके बाद आएगा शायद। ये तो अपना मतलब कंटिन्यू मोबाइल में क्या देख रही है, बुकी क्या देख रही है पहले बताओ। ये क्रॉस हो रहा है अभी बाली, ये बाली ब्रिज, ना जाने कितने बार मैं और पापा इधर वो ब्रिज क्रॉस किए हैं बाइक से। तो हम लोग का प्लान था अगर लीलवा रुक जाता तो हम लोग यहीं उतर जाते, लेकिन नहीं रुका, थोड़ा से फिर आना होगा इधर। मेरा पुराना घर देख लो, हम लोग यहीं पे रहते थे पहले, ये रेड वाला। फाइनली हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच गए हैं 15 मिनट पहले, अभी बस मम्मी लोग आ रही है धीरे धीरे, हम लोग सामान लेकर उतर गए, सामान कुछ ज्यादा ही था ना। हाँ जी तो हम लोग अच्छे से घर पहुंच गए हैं, जर्नी हमारा काफी स्मूथ था, बोरिंग भी था लेकिन स्मूथ भी था। टाइम से पहले ही हम लोग हावड़ा जंक्शन पहुंच गए थे, और जैसा कि मैंने अपने बाकी के ट्रेन वीडियो में भी कहा है, लॉकडाउन के बाद मैंने देखा है हर ट्रेन ही हम लोग को बिफोर टाइम स्टेशन में पहुंचा देता है, जैसा कि ये शताब्दी भी हम लोग को हावड़ा स्टेशन बिफोर टाइम पहुंचा दिया, वो भी 15 मिनट पहले। जर्नी काफी स्मूथ था, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कल क्रिसमस भी है, कुछ बाहर जाने का प्लान है मेरा, कुछ अच्छा आप लोग के लिए कंटेंट भी शूट करना है। चलो ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, होप कि आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।